हैंड्स अप, दोनों उतर जाओ वरना गोली मार दूंगा। निकलो बाहर वरना गोली मार देंगे। चलो चलो। हाँ चलो बढ़ो आगे। तुम लोग नहीं चले तो मैं गोली मार दूंगा। हिलना मत वरना गोली मार दूंगा। हिलना तो नहीं तो हम गोली मार देंगे ऐसे। डबल टू बी। अरे ये तो वही लोग हैं। अरे मारो पकड़ो। ये मान दें अरे तुम्हारे मारने से और हमारे मार खाने से वो दोनों वापस नहीं आने वाले हैं। अरे ये लोग कहाँ खराब हो गए? चक्कर हो गए और अब तुम तीनों हमसे हाथ मिलाए बिना उनकी जूतियाँ तक पा नहीं सकोगे। तुम दोनों बेईमान हो, पहले भी मिठाई में भांग खिला चुके हो। अरे भांग तो हमने उनको भी खिलाई थी मगर वो हमको भंगेरी बनाकर चले गए। मैं तो कहता हूँ समझौता कर लो कर लो कर लो कर लो। समझौता कर लो कर लो समझौता। आइडिया बुरा नहीं। अरे दीदी होने वाले सब्जी जी क्या कर रहे हो? अरे अरे पागल, अरे मेरे कपड़े क्या करते हैं? अरे अरे मेरे कपड़े दे दे। अरे मेरे कपड़ों को खराब मत कर। ओ पागल, ओ पागल मेरे कपड़े दे दे। देख देख मेरे से मजाक मत कर, मैं बहुत सोता हूँ। अरे मेरे कपड़े, अरे कोई है? अरे मदद करो। अरे मेरे मेरे कपड़े दे दे। अरे देख मैं भाग नहीं सकता। अबे अरे अरे कहाँ जा रहे? मैं मेरी मोटरसाइकिल। मुन्ने क्या हो रहा है? जब देखो फोटोग्राफी फोटोग्राफी, न सीना न परोना न खाना पकाना, आखिरी सब है क्या? अंकल देखिए मैंने एक मर्डर एक्सपोज किया है। मर्डर? हाँ देखिए देखिए। ओह ये तो राय साहब की बेटी कुकू की तस्वीर है। डार्लिंग ये कुकू कौन है? ओह डार्लिंग ये तुम नहीं समझोगी। अंकल देखो इस आदमी से कह दो अगर इसने किसी और लड़के की तरफ आंख उठाकर देखा ना तो मैं इसकी आंखें फोड़ दूंगी। मोना ये बिजनेस है, तुम हमें सिर्फ उस जगह ले चलो जहां ये हादसा हुआ है। मगर अंकल कम ऑन कम ऑन लेट्स गो डार्लिंग कम ऑन। अरे रोको रोको लेट लेट रोको। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। इसे मत छूना ये भूत है। नहीं मैं भूत नहीं हूँ, मैं हूँ मैं। नहीं ये भूत है, मैंने तो इसे मरा हुआ देखा है। अरे मरने वाला कोई पागल था, उसने मेरे कपड़े पहने थे। शर्मा जी कुछ पता चला? एक्सीडेंट से चेहरा बिल्कुल बिगड़ चुका है मगर मरने वाले की जेब से ये कुछ कागजात मिले हैं जिससे पता चलता है कि मरने वाला मोटरसाइकिल चैंपियन हवा वाला था। मेरा ख्याल है इसके घर पर इंक्वायरी करने से असलियत का पता चल जाएगा। आइए चले चलिए। समझे मामा? समझ गया भांजे, जो काम कुकू अधूरा छोड़ गई थी
उसे हम पूरा करेंगे। आखिर कब तक ये भागदौड़ चलती रहेगी? जब तक जिंदगी है। तेरी कोई मंजिल भी है? मेरी मंजिल तो मेरे सामने है। तुम मर्द लोग बड़े खराब हो। तुम लोगों को उंगली पकड़ने को दो तो पोंछा पकड़ लेते हो। लेकिन क्या हुआ क्या? अगर कोई देख लेता तो उसमें क्या होता? बदनामी होती। अरे इस जंगल में है कौन देखने के लिए है? वो देखो। मुझे क्या मालूम था कि इस जंगल में आपके रिश्तेदार भी रहते हैं। अरे अरे, अगर गिर जाती तो? मुझे संभालने वाले पर विश्वास है। रात के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? रात के बारे में? हाँ मतलब रात ना गुजारेंगे। प्रॉब्लम? आइडिया। यहाँ पास ही में मेरे डैडी का बंगला है, वहाँ कोई नहीं रहता। वेरी गुड आइडिया। बस आज हम रात वहीं गुजारेंगे। अलग अलग? जी नहीं, एक साथ। आइडिया। ससुर जी। होने वाले? अरे होने वाले ससुर जी, यहाँ से कुछ दूर पर राय साहब का फार्म है, होना हो बेबी वहीं गई होगी। अबे बेवकूफ, तो इसमें चिल्लाने की क्या बात थी? यही बात धीरे से मेरे कान में कह दिया होता। फिर चालाकी करने की कोशिश की, इस बार धोखा दिया तो याद रखना। आप बात बात में बंदूक क्यों तान लेते हैं? मैंने तो इसलिए कहा था कि पेड़ पौधों को भी कान होते हैं। घंटी कहाँ बज रही है? पास ही शिव भगवान का मंदिर है, उसी मंदिर की घंटी बज रही होगी। ओ, मैं समझा कि खतरे की घंटी बज रही है। चलो वहां चलकर प्रार्थना करते हैं। ना बाबा ना, मैं इस पूजा पाठ के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्या तुम नास्तिक हो? आस्तिक भी नहीं। और फिर जिस आदमी को बिन मांगे ही तुम जैसी देवी मिली हो, वो किसी देवता के चक्कर में क्यों पड़े? तो चलो चलकर शुक्रिया अदा करें। मेरी तरफ से तुम्हें कर दो। जानते हो मैंने तुम्हारा माथा क्यों चूमा? इसलिए कि मैं तुम्हारी तकदीर बनना चाहती हूँ। जानती हो मैंने तुम्हारी आंखें क्यों चूमी? इसलिए कि मैं तुम्हारे सारे आंसू पी जाना चाहता हूं। घंटी बुला रही है। तुम जल्दी जाओ और फौरन वापस चले आओ। तुम 5 मिनट ठहरो, मैं 1 घंटे में आती हूं। गुड इवनिंग शिवजी। माफ कीजिएगा, आप तो जानते हैं जब भी मैं यहाँ आती हूँ पहले आपके दर्शन करने आती हूँ। और ये भी जानते होंगे कि आज मैं अकेली नहीं, अपने उनके साथ आई हूँ और जन्म जन्म तक उनके साथ रहना चाहती हूँ। थैंक यू शिवजी, थैंक यू वेरी मच।
गोपी इधर आ। मुझे तेरी ही तलाश थी। क्यों? ले ये खत पढ़ ले, सब पता चल जाएगा। पढ़ लिया ना? अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ तो मौत के सिवाय कोई चारा नहीं। आज आखिरी रात है, रुपया या मौत। पूछो तो गोपी, मैंने भगवान से क्या मांगा? अरे तुम इतने सीरियस क्यों हो? क्या बात है? कुछ नहीं। नहीं, जरूर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे बहुत हर गन गोपी, तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो। मैं नहीं बदला, हालात बदल गए हैं। हालात तो उस दिन बदलेंगे जिस दिन हमारे सपने सच होंगे। हर तरफ रोशनियां जगमगा रही होंगी, दूर दूर तक शहनाइयों की आवाज गूंज रही होगी। तुम और मैं और तुम, नहीं बताऊंगी, हरगिज नहीं बताऊंगी।